मुन्नार साउथ इंडिया का सबसे फेमस हिल स्टेशन है, जहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसके नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीनरी, दूर तक फैले हुए चाय के बगान और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। सो आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं रोड ट्रिप पे फ्रॉम बैंगलोर टू मुन्नार, एंड दिस बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग मॉनसूनस, क्योंकि आपको हर तरफ लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड साथ में ढेर सारे एक्टिव वाटरफॉल्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में ये रोड ट्रिप जो दिखा ही रही हूँ, साथ में बताऊँगी आपको कौन से रूट ऑप्शंस मिल सकते हैं एंड हाउ यू कैन प्लान योर रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू मुन्नार। तो वीडियो लास्ट तक देखे, स्किप ना कीजिए। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड अभी हम लोग रात में 1 बजे ही उठ गए थे और 2 बजे से पहले पहले हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है फ्रॉम बैंगलोर टू मुन्नार के लिए। हमारा डिस्टेंस रहेगा लगभग 490 किलोमीटर। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से रूट ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला रूट है बैंगलोर टू होसूर, फिर कृष्णागिरी, सेलम, अविनाशी, उदमलपेट, मरायूर एंड देन फिर मुन्नार। दूसरा रूट है हमारा बैंगलोर टू होसूर, कृष्णागिरी, सेलम, डिंडीगुल, थेनी एंड मुन्नार। जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों रूट में बैंगलोर टू सेलम इज़ कॉमन एंड उसके बाद ही हमें ऑप्शंस चूज़ करने हैं। दोनों रूट में कुछ 10 किलोमीटर का फासला है एंड एक में 490 किलोमीटर लगेगा तो दूसरे में 500 किलोमीटर है, बट टाइम अप्रॉक्स 10 आवर्स दोनों में लग ही जाएंगे। मोस्ट प्रिफर्ड रूट है रूट नंबर 1 एंड हमने भी चूज़ किया है रूट नंबर 1। इस रूट पे जाने पे आपको दो दो फॉरेस्ट एरिया मिलेंगे, एक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, एक चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लेट्स बिगिन। हो चुकी है, 6 बज चुके हैं और हम लोग अभी NH 544 पे चले जा रहे हैं। ये है सेलम कोची हाईवे। अभी भी हमें 6 घंटे लगेंगे अपने डेस्टिनेशन मुन्नार को पहुंचने में और रोड कंडीशन बहुत अच्छी है तो फटाफट गाड़ी भगाए जा रहे हैं हम लोग। सुबह के 6 बज चुके हैं एंड अभी हम लोग इरोड क्रॉस कर रहे हैं। इरोड एक एग्रीकल्चरल, टेक्सटाइल एंड BPO हब है, साथ में यहाँ पे टर्मरिक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए इसका नाम टर्मरिक सिटी एंड येलो सिटी भी इसको कहा जाता है। एंड यहाँ पे हैंडलूम एंड नेटवेयर का भी काम बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये अभी देख सकते हो आप, ये कावेरी रिवर का व्यू है। इस समय पानी फुल कैपेसिटी में है, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है क्योंकि कुछ पेड़ भी मुझे दिख रहे हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। यहाँ से अब अविनाशी कुछ 66 किलोमीटर रह गया है और अभी मेरी नींद खुली। एक्चुअली मैं सो गई थी, बहुत देर तक सोई रही, झपकी मार रही थी मैं। हम लोग रात के 2 बजे से निकले हुए हैं। अभी जस्ट टोल पास किया हमने एक अविनाशी से पहले। अविनाशी अभी 31 किलोमीटर आगे है तो यहाँ पे हमने एक दुकान पे टोल के पास रोक लिया चाय कॉफी और थोड़ा वड़ा। और वड़ा एकदम फ्रेश बना था, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये जो वड़ा था ये वैसा था, सांबर उम्बर के साथ नहीं था, ये ऐसा स्नैक मतलब टी स्नैक के साथ था। हाँ, चाय के साथ, लेकिन एकदम ताजा ताजा बना था तो खाने में अच्छा लगा। चाय के साथ मॉर्निंग टी हो चुकी है तो अब एकदम फ्रेश लग रहा है, नहीं तो पीछे मुझे बहुत नींद आ रही थी। और मालिक सो जाते हैं, ड्राइवर रात भर गाड़ी चला रहा था तो 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अभी भी हमने शायद 5 घंटे में कितना, मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर कवर किया है। अभी हिल वाला 5 घंटे और बचे हैं, टोटल 10-11 घंटे की जर्नी है।
रोड अभी तक बहुत अच्छी है, जैसे हाईवे की होती है तमिलनाडु के हाईवे बहुत अच्छे हैं, तो वैसे ही अच्छी रोड है। टोल अभी रोड अच्छी है तो टोल ज़्यादा लगता है, तो मेरे ख्याल से शायद हम अभी तक 250 किलोमीटर में 250 रुपये का टोल तो दे चुके होंगे कम से कम, उससे ज़्यादा चला गया हो तो पता नहीं। बाकी तो सब कुछ ठीक है, तो एज़ यूजुअल गूगल मैप ने हमको फिर से भटका दिया है। अब वो कहीं गली गली से गूगल मैप निकलवाना चाह रहा है और मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनसे पूछा वो कहते हैं हाईवे हाईवे बाईपास हाईवे, लैंग्वेज का बड़ा इशू है ना, तो लोग हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन वो जो बोलते हैं बहुत डिटेल में बोलते हैं, मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आता। इम्पोर्टेंट है कि लोग सपोर्ट करते हैं, लोग बताते हैं आपको, आप लैंग्वेज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार देखते हैं और फिर एक्यूरेट मैप आपको बताते हैं कि कैसे जाना चाहिए, क्या रूट लिया हमने फिर। तो स्टे ट्यून, हम आपको अपडेट करेंगे कि विच इज़ द राइट वे टू रीच मुन्नार वाया बेंगलोर, बिकॉज सो दैट जो स्ट्रगल हमको फेस करनी पड़ रही है गोइंग फॉरवर्ड यू विल नॉट बी एबल टू फेस। तो विल अपडेट यू हम कहाँ से डाइवर्जन लेते हैं। हमारा टारगेट ये है कि एज मच एज पॉसिबल हम हाईवे पे कनेक्टेड रहें, सो दैट कोई ख़राब रूट हमको एनकाउंटर ना करनी पड़े, और बस यही है। और हाईवे पे हम फिर से कनेक्ट हो गए, इसी हाईवे से हम 2-3-4 बार उतर चुके हैं, चढ़ चुके हैं। गूगल मैप ना हमें बता दे रहा है कि नहीं नहीं यहाँ से यू टर्न लो लेकिन गूगल मैप से हमारा भरोसा जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही है, इसीलिए हम लोकल लोगों से पूछ पूछ के ज़्यादा चलते हैं। अदरवाइज अगर गूगल मैप से अगर हमें चलना होता तो हम कब का डाइवर्जन लेके उस रोड पे निकल गए होते, बट हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं ये बाईपास है इसी पे जाओ इसी पे जाओ, तो इसी पे जा रहे हैं, पुलाची के पास कनेक्ट करते हैं, बिकॉज पुलाची से केरला का डाइवर्जन कोई लेफ्ट है वो शुरू होता है, तब तक हम तमिलनाडु में ही हैं। और आई थिंक इन 3-4 स्टेट्स में से जितना भी है, बिकॉज मैं ड्राइव करता हूँ काफ़ी, तो तमिलनाडु इज़ माई फेवरेट स्टेट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, और सेकेंडली यहाँ का फूड कम स्पाइसी है तो, और मैं स्पाइसी कम प्रेफर करता हूँ, तो मुझे तमिलनाडु का फूड भी काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं भी रुक करके मैं अगर मुझे गिवन एन ऑप्शन तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ फूड, और हाईवे तो सच में बेस्ट इन क्लास है। यूपी के बाद अगर मैंने किसी की जगह इतना अच्छे हाईवे देखे हैं तो तमिलनाडु में देखे हैं, और यूपी में भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी में अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, पूर्वांचल हाईवे बुंदेलखंड हाईवे लखनऊ वाला आगरा नोएडा, तो वो तो बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, हो सकता है कुछ मिस कर रहा हूँ। उतना चौड़ा तो नहीं लेकिन गुड क्वालिटी हाईवे है तमिलनाडु में, तो यू विल नॉट फेस एनी इशू व्हेन यू आर ड्राइविंग, दैट इज़ गुड पार्ट। एंड सेकेंड इज नॉन स्पाइसी फूड। अपना रूट डिसाइड कर लिया है, तो रूट कुछ ऐसा है, आप गूगल मैप के थ्रू रोड तक जाएंगे तो वो तो आपको गूगल मैप सही लेके जाएगा, उसके बाद गूगल मैप आपको आफ्टर रोड आपको अलग अलग डाइवर्जन दिखाएगा कि लेफ्ट चले जाओ राइट चले जाओ, आपको उसमें नहीं जाना है, आपको सेम हाईवे फॉलो करना है, और जब आप उसको फॉलो करोगे तो आगे जाके आपको कोयम्बटूर का रास्ता दिखेगा सीधे स्ट्रेट हाईवे पे, तो आपको उसी रोड पे जाना है। देन आगे जाके आपको एक सिग्नल मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा आपको ऐसा जो बोर्डिंग मिलेगी कि राइट इज़ कोयम्बटूर लेफ्ट इज़ त्रिची, ये बेसिकली रोड से जो रोड जाती है वो त्रिची और कोयम्बटूर के बीच में चलती है, से कॉमन रोड है, आगे जाके वो उसका डाइवर्जन आता है जहाँ से लेफ्ट आपको उस हाईवे से आपको वो त्रिची की तरफ भेजता है, राइट में जब जाओगे तो कोयम्बटूर और स्ट्रेट पालाघाट, आपको स्ट्रेट जाना है पालाघाट वाली रोड पे, फिर आपको कुछ किलोमीटर बाद एक सर्विस रोड मिलेगी जिसमें क्लियरली मेंशन होगा साइड में कि दैट रोड गोज टू पलूची, आपको पलूची जाना है, पलूची से आप जब जाओगे तो आप स्टेट हाईवे पे कनेक्ट करोगे, हम अभी स्टेट हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, रोड अच्छी है, रोड में दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि थोड़ी नैरो हो जाती है हाईवे से जब आप आओ तो थोड़ा सा, और ऊपर से मॉर्निंग का ट्रैफिक है, अदरवाइज रोड कंडीशन इज गुड। तो आप पलूची से आप जाओगे मारायूर की तरफ, मारायूर अभी करेंटली 66 किलोमीटर है यहाँ से, और मारायूर से फर्दर 60-70 किलोमीटर है मुन्नार, तो 60 किलोमीटर एंड 70 क्लोज टू 130-135 किलोमीटर अभी भी हमारा बचा है टू मुन्नार।
अच्छा एक चीज़ और है जो मुझे थोड़ा अभी देखने को मिली कि एक साइड में एक रॉन्ग साइड से हाईवे पे NH 544 था शायद, वहाँ पे रॉन्ग साइड से कार आ रही थी और उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। तो गाइस रॉन्ग साइड पे ड्राइव मत करिए, दैट इज़ सुसाइडल और इवन फॉर हाईवे तो दैट इज़ फेटल। अगर आई डोंट नो आप अगर रॉन्ग साइड पे जाते हैं बट अगर थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा कर के भी अगर सही रूट पे आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाओ, बिकॉज ये सब ट्रैवलिंग इन ऑल जब तक अच्छा है जब तक आप सेफ्टी के साथ चल रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड एंजॉय ड्राइविंग। चीयर्स। शायद ये पहला व्यू है पहाड़ों का जो हमको इस ट्रिप में मिला है जहाँ से हमें क्लियरली पहाड़ दिख रहे हैं। नार 81, अमरावती डैम 14 किलोमीटर्स, त्रिमूर्ति हिल्स 14 किलोमीटर्स। तो आपके पास समय है तो ये सब चीजें आप बीच में देखते जा सकते हैं। एक डैम पड़ता है वो भी देखा जा सकता है। और यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न, तो त्रिमूर्ति हिल्स पीछे छूट गए और अब हम लोग जा रहे हैं इधर से मुन्नार की तरफ। पीछे इधर कितनी खूबसूरत जगह चल रही है, पहाड़ है एंड पीछे एक डैम भी था। ज्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर का टूर करेंगे आप लोग तो आपको वो डैम दिख जाएगा। बट अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं, एक बार चेक पोस्ट आ जाता है फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। ये रहा चेक पोस्ट। एंट्री करनी है कुछ यहाँ पे तो एंट्री करके आती हूँ। हाँ तो हम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं, चेक पोस्ट पे एंट्री कर दी है। नाम पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो आप और कितने लोग हैं। 50 रुपीज़ का चार्ज है एंट्री टिकट 50 रुपीज़ की है और 24 आवर्स तक वैलिड है। तो अगर कोई यहाँ से फिर अगर वहाँ जाता है जो डैम था, क्या नाम था उसको, अमरावती डैम, तो अगर सेम डे करता है तो दोबारा नहीं लगेगी, 24 आवर्स की उसकी टाइम लिमिट है। अभी 2-3 हेयर पिन बेंड्स आए थे, रोड थोड़ी नैरो है बट मैनेजेबल है। होटल सारे बुक्ड हैं लेकिन लोग नहीं दिख रहे रोड पे। रोड की सिचुएशन कुछ ऐसी है, अभी थोड़ा सा सही चल रहा है, आगे चल के ये ऐसे आएंगे तो हम जैसे कनेक्ट ऐसे व्यू जाते हैं मैं आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ा ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करूँगा और स्नेहा आपको व्यूज दिखाएगी। ये रहा आपका तमिलनाडु खत्म, केरला शुरू चेकपोस्ट। मैप में जैसा कि आप देख सकते हो तमिलनाडु एंड केरला बॉर्डर चिनार रिवर। तो अभी राहुल गए हुए हैं, यहाँ पीछे चेक पोस्ट है चिनार रिवर का पुल और यहाँ से भाई आपका बॉर्डर खत्म, केरला शुरू। फिर यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, तमिलनाडु का चेक पोस्ट अलग था, केरला का चेक पोस्ट अलग। फिर से यहाँ पे कुछ एंट्री नोट की जा रही है, गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे चार चेक पोस्ट है। एक बार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंटर करते समय चेक पोस्ट, उसने डिटेल लिए, 50 रुपया लिया टिकट का अंदर जाने के लिए। फिर अन्नामलाई से जब हम बॉर्डर पे पहुंचे तो तमिलनाडु का चेक पोस्ट, उसने केवल डिटेल लिया, कार नंबर नेम ये सब वगैरह डिटेल ली गई। फिर जब हम लोग केरला में एंटर किए तो केरला में 2 चेक पोस्ट, पहले चेक पोस्ट जो केरला में एंटर करते ही है वहाँ पे उसने फिर से हमसे डिटेल ली गई, गाड़ी नंबर नाम वगैरह एंड 100 रुपीज आपको एंट्री फी टू केरला। दूसरा चेक पोस्ट आया तो फिर मतलब मुश्किल से 10-15 मीटर दूरी पे था दूसरा चेक पोस्ट, तो वहाँ पे सिर्फ डिटेल
नाम और गाड़ी नंबर पूछा गया। तो टोटल 4 चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया अभी 10 मिनट के अंदर में। हाँ, अकेला में जब उसने हमसे टोल जो भी टोल है एंट्री का मांगा तो स्लिप नहीं दी गई। मुझे याद है जहाँ तक जब हम लोग ऊटी जा रहे थे वहाँ पे भी नेटवर्क इशू रहता है फॉरेस्ट एरिया में, आई नो, लेकिन हाँ पीछे जब हम ऊटी गए थे तो उन लोगों ने हमें स्लिप दी थी, कैश में काटा था, शायद 30 रुपीज ही लगा था, लेकिन इस टाइम जब हम एंटर कर रहे तो 100 रुपीज चार्ज किया गया एंड स्लिप नहीं दी गई है। केला में एंटर करते ये है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब तक तमिलनाडु में था अन्नामलाई और जब हम लोग केला एंटर कर चुके हैं तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये अभी फॉरेस्ट एरिया ही काफी दूर तक है। अभी देखने में तो नहीं पता चल रहा लेकिन चढ़ाई शुरू हो चुकी है एंड हम काफ़ी अपहिल ड्राइव कर रहे हैं एंड साथ में ही आपको वैली व्यू देखने को मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप कंपैरिजन करते हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व से तो यहाँ पे रोड काफ़ी नैरो है, तो सावधानी के साथ गाड़ी चलाएँ एंड अपनी जर्नी को इंजॉय करें। वाटरफॉल बीच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ऐसा हमें मसाना गुड्डी की तरफ जाते हुए भी देखने को मिले थे, काफ़ी सारे थे उस रूट पे। तो बट यही होता है ना कि आप अपने स्पीड से चलाते हुए आते हो और एकदम से दिख जाता है तो आप कभी रुकते हैं कभी नहीं रुक पाते हैं। नहीं, दूसरी बात ये भी है ना, यहाँ पे अभी हो जाए वाइल्ड लाइफ एरिया है। हाँ, तो बंदर बहुत है, बंदर बहुत है, आप कैमरा लेके जाओ बंदर कैमरा छीन सकते हैं खाने पीने के चक्कर। और सेकेंडली रोड नैरो है तो पार्किंग कहीं भी नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि पीछे से और दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। एंड तीसरी चीज़, अब बिकॉज वाइल्ड लाइफ एरिया है तो पानी के पास आप जा रहे हो तो थोड़ा अगर भीड़ भाड़ है तो बेटर है, अगर क्योंकि हम लोग, अब मुझे लग रहा है हम लोग इस रोड पर हम ही लोग हैं और कोई मुझे ट्रैफिक मूवमेंट लग नहीं रहा जाते समय। लौटते समय तो कुछ लोकल गाड़ियाँ हैं जो आ रही हैं तो एक वो भी देखना पड़ रहा है कि ऐसे हिल एरिया में आपको टेम्पटेशन बहुत होती है बिकॉज काफ़ी अच्छी जगह जाती है देखने के लिए, लेकिन किस जगह आपको रुकना है ये आपको सेफ्टी फैक्टर को लेख के डिसाइड करना है। नेटवर्क नहीं है इस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में खैर आपको नेटवर्क कहीं भी नहीं मिलता। तो ऑफलाइन मैप, मैं तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके लाया हूँ आज, तो ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड करके रखें। हाँ, अगर आप स्पेशली अगर आप कैमरे से ब्लॉक करते हैं तो आपको ऑफलाइन मैप यहाँ पे डाउनलोड करके लेके आना चाहिए। मौसम में ड्रास्टिक चेंज आ गया, धूप थी फिर बादल है और अब हल्की हल्की बरसात चालू हो चुकी है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आते वक्त वहाँ गाड़ी पार्क कर दी हमने और रास्ते में ये है करीमुट्टी फॉल्स। सारे 11 हो चुके हैं और हम लोग मारायूर क्रॉस कर रहे हैं और पहाड़ इतने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं ना, और टाइम टाइम पे मौसम भी चेंज होते जा रहा है, कभी धूप कभी छाव कभी बारिश। और मुन्नार अभी 41 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम लोग मारायूर तक आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा नेटवर्क नहीं आया। मैनुअल सेटिंग में जाके देखा तो जियो आ रहा है और सेलवन आ रहा है, बट हमारा तो एयरटेल है तो एयरटेल की नेटवर्किंग यहाँ पे नहीं आ रही। तो हम लोग कहीं यहाँ से आ रहे थे, यहाँ हम जा रहे हैं और रास्ते में हमको एक वाटरफॉल मिला। इस रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, दोनों तरफ पेड़, लेफ्ट साइड में वैली व्यू, राइट साइड में या तो रेजिडेंस है लोग रह रहे हैं, एक और वाटरफॉल आने वाला, एक और वाटरफॉल आ रहा है इस रास्ते में, वाटरफॉल ही वाटरफॉल और ये बहुत ऊपर ऊपर से आ रहे हैं। मुझे लगता है ये एक वाटरफॉल की ट्रिब्यूटरीज है, जो एक वाटरफॉल आता है और उससे दूसरा वाटरफॉल, उस एक मेन वाटरफॉल से नंबर ऑफ वाटरफॉल कट रहे हैं। ये भी बहुत दूर से आया वाटरफॉल और नहीं, रास्ते में इतने सारे वाटरफॉल ही दिखते जाएंगे कि रुकने का भी क्या फायदा। फिर तो हम लोग पता चला रात तक पहुंच रहे हैं, इतने इतने
वाटरफॉल दिख रहे हैं, दूर दूर से छोटे छोटे दिख रहे हैं ऊपर से, और जब नीचे आते हैं तो पूरा इतने फोर्स में पानी के छींटे आपके चेहरे तक आते हैं पूरा। इतने सारे वाटरफॉल, वाटरफॉल ही वाटरफॉल सामने पहाड़ों से लाइन से इतने सारे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं कि इतना सुंदर व्यू है ये। अच्छा यहाँ पे फिर से एक चेक पोस्ट था, वहाँ पे सिर्फ एंट्री ली, पैसे नहीं लिए सिर्फ डिटेल, बेसिक डिटेल्स मांगी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कार का नंबर क्या है, कितने लोग हैं, कार का कौन सी कार है, किस टाइप की कार है, ये सब बेसिक डिटेल। हम लोग अभी भी मारायूर में हैं एंड यहाँ से मुन्ना लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मारायूर भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है और अब भी हम लोग सी लेवल से 5200 फीट ऊपर है एंड कितना खूबसूरत नज़ारा है। मुझे तो इस ड्राइव में ना बहुत मज़ा आ रहा है, इतने सारे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं एंड ग्रीनरी भरपूर। अब मुझे ये नहीं पता कि मॉनसून में आए हैं हम लोग तो इतनी ग्रीनरी और इतने वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं या फिर और भी सीज़न में ऐसे नज़ारे मिलते हैं, तो अगर पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरे केरला में मारायूर एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पे नेचुरल सैंडलवुड फॉरेस्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और वाटरफॉल है। एक चीज़ और है, यहाँ पे वाटरफॉल है या कोई भी खूबसूरत जगह देखने के लिए है तो उसके पास में चाय की टपरी तो ज़रूरी है। खूबसूरत से मौसम और मस्त नज़ारों के साथ चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। मारायूर यहाँ ख़त्म और मुन्नार शुरू। मुन्नार एंटर करते ही आपको इतनी खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे, ये देखिए व्यू, दूर दूर तक लश ग्रीनरी दिख रही है, मैं क्या ही बताऊँ, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। शायद इसीलिए तभी इसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं एंड ये एक हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत फेमस है। और जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ वहाँ लग रहा है कोई ना कोई वाटरफॉल है, और इस समय मॉनसून के कारण मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। मॉनसून के जहाँ अपने फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अब यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ था शायद एंड रोड बहुत ही स्लिपरी हो गया है। वैसे भी आपको जगह जगह पे पत्थरों में से पानी निकलता हुआ दिख ही रहा है, उसके कारण रोड तो नैरो है ही और अब स्लिपरी भी हो गया है, तो बहुत सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग मुन्नार मार्केट में पहुंच चुके हैं, बट हमारा जो स्टे है वो अद्दीमली में है और अद्दीमली यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर और दूर है, तो वहाँ चलते हैं। मुन्नार बाईपास रोड लेकर हम लोग अद्दीमली पहुंच चुके हैं। ये अद्दीमली का मेन मार्केट एरिया है एंड यहीं पे हमारा रिसॉर्ट है विद अ ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, और होटल का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, चेक इन करते हैं। सो हम लोग अपने होटल आ चुके हैं, तो जल्दी से मैं आपको अपना रूम टूर दे देती हूँ। दरवाज़ा, लगेज एरिया, लगेज रखने के लिए कबर्ड है, स्पेशियस है कबर्ड भी आपका एंड सेफ दिया हुआ है अपनी वैल्यूबल्स चीज़ें रखने के लिए विथ हैंगर्स, चेक, स्पेशियस है एंड ड्रेसिंग एरिया। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, फुल लेंथ का मिरर है, तैयार हो जाओ, खुद को देख लो अच्छे से, अपने ड्रेस को देख लो अच्छे से, फिर निकलो बाहर साइट सीइंग के लिए। बजट में हमें अच्छा सा रूम मिल गया, टीवी यूनिट, एसी भी है, हिंदी स्पीकिंग स्टाफ है
एंड यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दी गई हैं, इलेक्ट्रिक केटल है, वॉशरूम इज ऑल्सो स्पेशियस। ओ यहाँ पे हमें ब्लोअर भी मिला है साथ में, स्पेशियस है वॉशरूम भी। तो ये हमारा होटल है वीटी मिड टाउन। ये कार पार्किंग है, काफ़ी स्पेशियस कार पार्किंग है। ये पूरा एरिया गेटेड सिक्योरिटी है, LIC ऑफिस के पास में है। तो हम लोग तो चले अभी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने, बट आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।